ब्रह्मा कौन है? आखिर ब्रह्मा का अस्तित्व क्या है? आखिर ब्रह्मा के पीछे की सच्चाई क्या है? नालंदा एक ग्राफी पेज 54-55 में लेखन ने एक इमेज को तीन सर और त्रिविद्या लिए ब्रह्मा हो सकता है कि कल्पना संकल्पना करता है। इन संकल्पना को आधार बनाकर भारत में गपोड़ियों की फौज ने नालंदा में ब्रह्मा मिल गए त्रिविद्या यानी तीन वेद के लिए एक इसीलिए नालंदा महाविहार हिंदुओं का है का फेक क्लेम गपोड़ दिया। गलत जानकारी लिखा गया, फैलाया गया। सवाल है सच क्या है? सवाल है ट्रूथ, इसके पीछे सच्चाई क्या है? आइए हम इस फैक्ट का चेकिंग करते हैं, चेकिंग कर बताते हैं, थोड़ा छानबीन रिसर्च करते हैं आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। नालंदा एपिग्राफी ने अपनी संकल्पना का आधार ह्यून सुंग के नोट्स को बनाया है। ऐसे में ह्यून सुंग के नोट्स को ध्यान से समझना होगा कि उसमें ब्रह्मा इंद्र और त्रिविद्या क्या है। इससे आप सच आसानी से समझ जाएंगे। बुद्धिज्म में त्रिविद्या का मतलब होता है ए संसार अनित्य है, बुद्ध का सिद्धांत। बी दुख क्या है, चार अरिय सच। सी आत्मा अनात्मा क्या है, बुद्ध का सिद्धांत। यानी जो इमेज त्रिविद्या लिए हुए है वो कोई पौराणिक या वेद का मैनुस्क्रिप्ट नहीं है बल्कि बुद्धिज्म के ज्ञान लिए हुए है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि ब्रह्मा के तीन फेस क्यों हैं? जवाब है दरअसल बुद्धिज्म में तीन सर वाले ध्यानी बुद्ध के वज्रपाणी की व्यवस्था है जिसे कहीं कहीं पर ब्रह्मा और कहीं पर शिवा कहा जाता है। रिफरेंस के तौर पर सबूत आपको मिल जाएंगे। अब तीसरा सवाल है कि क्या ह्यून सुंग ने कहीं ऐसा कहा है कि ब्रह्मा और इंद्र बुद्धिज्म के हैं? जवाब है हाँ। ह्यून सुंग ने 629-645 एडी के बीच गंधार कला में ब्रह्मा और इंद्र के 100 फीट ऊंचे दो स्तूप अपनी आँखों से देखे थे। याद रहे स्तूप बुद्धिज्म में बनते हैं क्योंकि ब्रह्मा ध्यानी बुद्ध के व्रजपाणी की व्यवस्था है और शक अथवा इंद्र जातक कथाओं की कल्पना है। चौथा प्रश्न, क्या कोई पुरातत्व सबूत है कि इंद्र और ब्रह्मा बुद्ध के साथ हों? जवाब है हाँ। सबूत के बौछार है, सबूत भरे पड़े हैं। बिना जनेऊ पहने ब्रह्मा और इंद्र बुद्ध के दाएं और बाएं खड़े मिलते हैं। एक नई सैकड़ों ऐसी शिल्पकलाएं मिलती हैं। याद रहे जब ये शिल्पकला बनती थी तब जनेऊ प्रथा का जन्म भी नहीं हुआ था, इसीलिए शिल्पकारों ने जनेऊ नहीं पहनाया। निष्कर्ष, नालंदा में मिले सबूत पूरी तरह से बुद्धिज्म के हैं। बुद्धिज्म की हर एक शिल्पकला का ब्राह्मणीकरण कर अपने पिताजी साबित करने की कोशिश करने वाले इसी तरह लगातार नाकाम होकर थक जाएंगे। इसलिए बेहतर है सच को जितनी जल्दी हो स्वीकार कर लें, उतना ही उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। अन्यथा उनकी हर एक झूठ और ब्राह्मणीकरण इतिहास में दर्ज होते जा रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़कर उन्हें न सिर्फ गपोड़ी बल्कि भारतीय इतिहास का डार्क विलेन ही समझेंगी, दुश्मन ही समझेंगी और उनका कोई सम्मान इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए समय है कि अभी भी सुधर जाइए। रिफरेंस के तौर पे मैं सबूत इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा।